YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पुरानी विरासतों को सहेजने के लिए आपूर्ति योजना तैयार की है। इस योजना के तहत वर्षों पुराने मंदिरों को जीर्णोद्धार किया जाएगा। सरकार की इस योजना से शुरू करने के बाद बिलासपुर के गोविंद सागर झील में समाये प्राचीन मंदिरों को जल्द ही नई जगह स्थापित किया जा सकता है। बिलासपुर में संस्कृति विभाग की सचिव पूर्णिमा चौहान ने इन मंदिरों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पुरातत्व विभाग की टीम अगले सप्ताह आकर मंदिरों को दूसरी जगह स्थापित करने पर काम शुरू कर देगी। तो अपूर्ति योजना तैयार की जा रही है सरकार की ओर से, जिसके तहत मंदिरों को, जो पुराने मंदिर है, उन्हें संजोया जाएगा। उनके संरक्षण के लिए ये योजना बनाई गई है। पुरातत्व टीम संरक्षण करेगी। और साथ ही आपको बता दें, प्राचीन मंदिर जो गोविंद सागर झील में समा चुके हैं, उनके संरक्षण के लिए ये योजना बनाई गई है। जल्द ही इन मंदिरों को शिफ्ट किया जाएगा ताकि इन्हें अच्छे तरीके से संजोकर रखा जाए और साथ ही इनका संरक्षण सही तरीके से हो पाए। इसी के चलते पुरातत्व टीम संरक्षण करेगी, ये योजना बनाई जा रही है। सरकार की ओर से अपूर्ति योजना है जो इन मंदिरों के संरक्षण के लिए बनाई जा रही है। कीमती प्राचीन धरोहर है हमारी, और इसको बचाने के लिए अभी मैंने सुबह भी रिक्वेस्ट की है DGASI से कि अगर टीम आ जाती है एक हफ्ते में, तब तो संभावना है कि वो कुछ सर्वेक्षण यहाँ से कर लेंगे, और अगर उनके पास ये सक्षमता है या नहीं है कि इसको निकाल सकें, मंदिरों को निकालने का पूरा भरसक प्रयत्न कर सकें, क्योंकि ऐसी धरोहर है जो अपनी झलकियाँ देती रहती है हर साल, शायद इसी उम्मीद में कि किसी दिन इनको निकाल के बचाया जाएगा। सो भरसक प्रयत्न कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पे हम सफल होंगे।